बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, और मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप पर अल्लाह पाक की हज़ारों रहमतें और बरकतें नाज़िल हों, और अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज व ईमान में रखे। अल्लाह हम सब की हर नेक और जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन सुम आमीन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक ख्वाब लेकर आई हूँ, ख्वाब में डूबना। जो लोग ख्वाब में डूबना देखते हैं वो यही जानना चाहते होंगे कि इस ख्वाब की तबीर क्या है। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन के निशान को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियो की जानिब। ख्वाब में डूबना। हज़रत इब्ने सरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर देखे कि दरिया में डूबा है और मरा है, दलील है कि बादशाह इसको हलाक करेगा, और अगर देखे कि पानी इसको नीचे ले गया है और फिर ऊपर लाया है और मरा नहीं है, दलील है कि दुनिया के काम से हाथ उठाएगा और दीन की इस्लाह और आहरत का रास्ता तलाश करेगा। हज़रत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर देखे कि चौपाहे या किसी मकान या दुकान या बाग में डूब गया है, दलील है कि किसी मुश्किल काम में आजिज होगा और आखिरकार रिहाई पाएगा। हज़रत जाफ़िर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में देखना चार वजह पर है डूबना। एक, बहुत सा माल। नंबर दो, इकबाल। नंबर तीन, बद मज़ह। और नंबर चार, आदमी के साथ सोहबत और मनफत। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आज की आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इतनी देर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ख्वाब के साथ। अल्लाह हाफिज़।